हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। आपका सेकंड सीटिंग में साइकोलॉजी का पेपर ख़त्म हुआ है, उसका 110% अथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सेट ई है, जिनका सेट ई होगा वो डायरेक्ट मिलान करेंगे। दूसरे सेट के लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, जो क्वेश्चन का सही आंसर है उसको बोल दूंगा, वहाँ से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आपको 110% अथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग अभी तक मैट्रिक का गेस्ट नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग गेस्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं और सारा गेस्ट से क्वेश्चन आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समूह का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? टू का करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। जल प्रदूषण के रूप में भी हो सकता है, वायु प्रदूषण के रूप में भी हो सकता है, मिट्टी प्रदूषण के भी रूप में हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है स्टूडेंट्स, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, संज्ञात्मक असंवादिता से तात्पर्य है? फोर का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, चातुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं, तो ये कैसा है? तो फाइव का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुपालन के। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग कल हिंदी 50 मार्क्स का जो भी लोग का एग्ज़ाम है आर्ट्स से, वो लोग चाहते हैं कि VBI क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं, तो आपको 10 क्वेश्चन का गारंटी लेते हैं कि उसी में से आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग तुरंत सेशन लेकर आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पर अगर अच्छा व्यू आप लोग लाते हैं शेयर करवा के, अपने से लाइक करके, तो तुरंत आपको हिंदी 50 मार्क्स का रामबान क्लास प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपका कल 10 ऑब्जेक्टिव सही होने का गारंटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत या POX मॉडल में P प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें P प्रतिनिधित्व क्या करता है? तो सिक्स का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, दूसरों को उपस्थिति में लोग कभी कभी गलतियां करते हैं, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है? तो सेवन का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, सामाजिक श्रम वर्णन ये कहलाता है। 100% आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर गलत है। बहुत सारे आपको फेक यूट्यूबर गलत आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कोचिंग का चैनल है, ये अथेंटिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि उदाहरण है। एट का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, जब व्यक्ति अपने अहंकार को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, इसे कहा जाता है? नाइन का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, से क्या कहा जाता है? तो इसे आपको कहा जाता है प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? 10 का आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, आपका सभी इसमें से प्राथमिक समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? 11 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, असुरक्षा तथा चिंता का भाव। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने समूह को दो वर्गों, प्राथमिक समूह और गौण समूह में बांटा है? 12 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, कुल्ले में बांटा था। 100% अथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए। 110% अथेंटिक साइकोलॉजी का आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व के सिलगुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? 13 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेल्डन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविनात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? 14 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, संख्यात्मक योग्यता। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सामान्य बालक।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। 16 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें तीनों आपका पाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर का। दूसरे सेट वाले के लिए मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन सभी सेट में सेम है, केवल नंबरिंग इधर उधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, किसने व्यक्तित्व को टाइप ए प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है, तो आपका 17 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, किसने बांटा था, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण के नवीनतम पद्धति है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ICD-10। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों इसमें से अफीम से रिलेटेड है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया, 20 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, इगास मोनिज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया, किसका आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, सरलेटी तथा बिनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया, 22 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यूंग ने किया था। आप लोग कमेंट में अपना नेम और कहां से बिलोंग करते हैं, आपका कितना सही हो रहा है, ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, बंदूरा में कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं, 23 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, कहाँ से आपका सीखते हैं, तो प्रश्नात्मक अनुकूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है, 24 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, पीड़ादायक प्रभाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है, 4 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको 110% ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में किसने 100 का पक्ष माना गया था, तो 26 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, 27 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आपका विलियम मॉर्टन मार्स्टन ने किया था, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं 27 नंबर का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक विकार है, 28 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, काय आलविंता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष समाधान युक्त है, 29 का करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, 30 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन वन, निजी। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों कितना सही हो रहा है, क्योंकि जितना आपका इसके अकॉर्डिंग सही हो रहा है वही 110% ऑथेंटिक आंसर की आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, रोसांग परीक्षण है, 31 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है ये, प्रक्षेपी परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, 32 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह का बुद्धि परीक्षण है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, निम्नलिखित में किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है स्टूडेंट्स, लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया, आपका 1957 में किए थे इन्होंने, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 35 नंबर का 1957 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन छवि निर्माण का प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है, तो 37 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है, तो कैसी विशेषता होती है आपका, तो इनमें से सभी, सामर्थ्य भी होता है, सामर्थ्य भी होता है, वैज्ञानिक मानसिकता भी होता है, उत्तरदायित्व का बोध भी होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट साक्षात्कार में कौन चरण नहीं है। 39 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, साक्षात्कार में संबंध की प्रागधता। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है स्टूडेंट्स अमृत चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? टर्मन ने कहा था ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है, तो कौन सा है तो इसमें आपका कैटल बुद्धि परीक्षा में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो डिटर्मिनेशन दृढ़ता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कितना आपका 42 नंबर में सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, 42 में आपको 35 करना था तो 35 मार्क्स में आपका कितना मार्क्स आ रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अब डाउटनट ऐप पर मिलेगा क्लास 6 से 12 का सारा प्रश्नों का उत्तर मात्र 3 सेकंड में। कोई भी प्रश्न को अच्छा से क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद उसका आंसर आपको 3 सेकंड में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप प्रश्नों का हल मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं।